जो इंजेक्शन लिया जाता है कहीं से रिश्ता टूट जाता है, ऐसे बहुत से लोगों का ख्याल है कि टूट जाता है, कुछ लोगों का ख्याल है नहीं टूटता है। चले बात करते हैं, इंजेक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है नरिशमेंट वाला, और एक होता है जो गुजा फराम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन है जो एक ड्रिप लगाई जाती है ग्लूकोज की, जो उनकी फुलफिल रिक्वायरमेंट होती है मिल्क की, वो कवर करता है। ये लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है, इससे रोज़ा आपका टूट जाता है, बिकॉज इट्स फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट ऑफ द, जो आपका एक गैप होता है मिल लेने का, वो आपको कवर करता है। इसी तरह जो जो मेडिकल इंजेक्शन होते हैं, जैसे वैक्सीन वगैरह हैं या किसी किस्म के भी इंजेक्शन होते हैं, अदर देन जो फूड सप्लाई होती है, अदर देन द फूड सप्लाई जो नरिशमेंट वाले इंजेक्शन होते हैं, ये सारे मेडिकल जो इंजेक्शन है लेना जायज़ है। इस तरह का अपना ब्लड वर्क देना वो भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट जो फूड सप्लाई है, जो नरिशमेंट वाले इंजेक्शन है, वो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, इससे रोजे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब है लेकिन डॉक्टर आपको ऑब्लिगेटेड कर रहा है कि यू हैव टू टेक दिस मेडिकेशन, यू हैव टू टेक दिस इंजेक्शन बिकॉज दिस विल फुलफिल योर वीकनेस, तो आपको वो लेना चाहते हैं, आपको रोज टूट जाता है। लेकिन अगर आप इस हद तक पहुंच गए कि खुदा न खास्ता कर आपको बेहोशी का डर है या हार्ट अटैक का डर है, या कोई किसी किस्म की एक एक्सट्रीम कंडीशन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको जहाँ पे एक एक समझे कि एक सिचुएशन ऑफ डेथ आ जाती है, तो यहाँ पर आपको रखना रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन देन आपको जायज़ होता है कि आप किस किस्म के इंजेक्शन ले लें, तो आप उसको बाद में वॉलंटियरली रोज़ा रखे आप उसको कवर कर सकते हैं।